अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सना होम किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के रोस्टेड पोटैटो वेजेस, जो बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल के, बहुत ही यमी और फ्लेवरफुल है। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने लिए हैं आलू 1 किलो, आप चाहें तो क्वान्टिटी को डबल या हाफ़ कर दें। मीडियम साइज़ के आपने आलू लेना है, बहुत बड़े ना बहुत छोटे। उसके अलावा ऑलिव ऑयल लिया है 3 से 4 चमचे, अगर नहीं है तो कोई और ऑयल यूज़ कर लें, वरना ऑलिव ऑयल से फ्लेवर अच्छा आता है। ओरिगानो 1 चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून, उसके अलावा पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ये सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। पर उससे पहले हम वेजेस काट लेते हैं। पहले आपने आलू लेकर उसको बीच में से हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद हम पहले इसको एक और दफ़ा बीच में से काट के इक्वली हाफ़ करेंगे और फिर उसको थोड़ा सा टेढ़ा शेप में काटेंगे ताकि वो परफेक्टली वेजेस की शेप आ जाए। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई और भी शेप में बनाने हो तो आप बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपने बहुत मोटे भी नहीं काटने और बहुत पतले भी नहीं, ये परफेक्ट इसका साइज़ है। अगर आपका आलू बहुत बड़े साइज़ का है तो आप 4 के बजाय उसके 5 या 6 पीस कर लें, जो हाफ़ आलू के, ठीक है। और अगर आप इसको बहुत पतला काटेंगे तो जब हम इसको बॉईल करेंगे तो वो फिर उसकी टूट जाएंगे वो, और वो आपके परफेक्ट वेजेस नहीं बनेंगे। अब आप इनको वेजेस की शेप में काटने के बाद इतनी देर में आप एक पतीली में पानी बॉईल करने रख दें। जब वो बॉईल हो जाएगा तो आप उसके अंदर 2 टीस्पून नमक डाल दें। ये आपने मेक श्योर करना है कि पानी पूरा बॉयल हो जाना चाहिए, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जब नमक डालने के बाद अब जो हमने वेजेस काट लिए हैं वो हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। मैं स्टेप पे आपको एक और बात बता दूं कि बग़ैर बॉयल किए हुए भी वेजेस बन जाते हैं अवन में, पर उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो इससे ये होगा कि वो अंदर से सॉफ्ट भी हो रहेंगे और कम टाइम में वो बेक हो जाएंगे, और आप चाहें तो उनको फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ये थोड़ा से, आपने सिर्फ आलू डालने के बाद टाइम चेक करना है, 5 मिनट, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम इसको आपने बॉईल कर लेना है। बहुत देर तक बॉईल नहीं करना वरना फिर ये टूट जाएंगे। जब ये बॉईल हो जाएंगे तो आप इसको स्ट्रेनर में निकाल लें ताकि इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। ये मैंने छन्नी में डाल दी है। अब थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए रख दें ताकि पानी भी ड्रेन हो जाए और थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे, गार्लिक पाउडर, ओरिगानो, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके अलावा अगर आपको नमक डाल रही हूँ, अगर आपको स्पाइसी कम पसंद है तो आप पेपरिका पाउडर और काली मिर्च का पाउडर सिर्फ आधा आधा टीस्पून डालें, और अगर आपको बिल्कुल स्पाइसी नहीं चाहिए, आपने बच्चों के लिए बनाना है, तो आप इसके अंदर पेपरिका पाउडर को स्किप कर दें, मत डालें। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें हल्के हाथ से। इस स्टेज पर अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसके अंदर 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। अगर ओवन है तो ओवन की ट्रे में ऑलिव ऑयल लगाकर इसको बेक कर लें 30 से 40 मिनट के लिए 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और टडा, इट्स रेडी। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से वेजेस तैयार हैं। अगर आपको ये और क्रिस्पी और इसका कलर आपको तेज़ चाहिए तो आप इसको ओवन के ग्रिलर में 10 मिनट के लिए और बेक करने के लिए रख दें। आप स्प्रिंकल कर दें थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर, और ये ज़बरदस्त से वेजेस तैयार हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग सना होम किचन।